Hello students, this is my sixth video on the chapter acid, base and salt for class 10. And in this video we will learn about a strength of acid and base solution. That means mainly we will talk about pH scale. Okay, so first of all I have taken here solution like pure water, acid solution and base solution. Okay, so you can see in pure water, वाटर डिसोसिएट लाइक एच प्लस एंड ओ एच माइनस, यानी कि एच यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है और क्या है हाइड्रोक्साइड आयन. सो इन प्योर वाटर वी विल ऑब्जर्व कि बोथ द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन आर इक्वल, दोनों इक्वल क्वांटिटी में होते हैं प्योर वाटर के अंदर, मतलब ये न्यूट्रल होते हैं क्लास. एंड अगर मान लो कि हमारे पास प्योर वाटर था लेकिन उसमें हमने क्या करा, एसिड को ऐड कर दिया, तो एसिड सॉल्यूशन बन गया. मतलब एसिड क्या रिलीज करता है, एच प्लस आयन. सो ऑन एडिंग द एसिड टू द वाटर द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन विल इंक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन विल इंक्रीज. इनिशियली बोथ आर इक्वल बट ऑन एडिंग एसिड टू द सॉल्यूशन द concentration of H plus ion will increase. We can say that in acid solution the concentration of H plus ion is greater than that of concentration of OH minus ion. And if you are adding base to the water, what will happen, base will release OH minus ion, hydroxide ion. Base वो substance होता है जो कि solution में hydroxide ion देते हैं. तो जैसे ये हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा, कंसंट्रेशन वहाँ पे ओ एच माइनस का यानी हाइड्रोक्साइड आयन का इंक्रीज होगा. सो वी कैन से दैट कि इन बेस सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस आयन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन. ओके क्लास, सो स्ट्रेंथ जो होगा यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन. लेकिन जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा एच प्लस आयन का सॉल्यूशन में, एसिड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा, तो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन. जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन एच प्लस आयन का होगा उतना ही स्ट्रेंथ होगा एसिड का. और जितना ज़्यादा मतलब जितना यहाँ पे देखो strength of acid is inversely proportional to the concentration of OH minus ion. जितना कम OH minus ion का concentration होगा उतना ज़्यादा strength होगा acid का. ठीक है, similarly strength for base, a strength for base which is directly proportional to the concentration of OH minus ion, यानी कि solution में OH minus ion का concentration जितना ज़्यादा, बेस का स्ट्रेंथ उतना ही हायर होगा. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, जितना कम एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन उतना स्ट्रेंथ होगा बेस का. तो समझ में आ रहा कुछ नाउ. तो अब यहाँ पे देखो सोरेनसन ने एक स्केल को यहाँ पे डिवाइस किया जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है, on which the strength of acid solution as well as basic solution could be represented by making use of the H plus ion concentration. यानी कि pH scale को devise किया जिस पर हम एक acid और एक base के strength को represent कर सकते हैं यहाँ पर H plus ion का concentration use करते हुए. ठीक है, आइए समझते हैं पहले pH क्या है. pH, P stand for potens, मतलब देखो ये जर्मन वर्ड है potens जिसका मीनिंग क्या होता है, पावर. एंड H stand for hydrogen ion concentration, H stand for hydrogen ion concentration यानी H plus ion. तो pH का कंप्लीट मीनिंग क्या होगा कि पी एच स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ना पी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. तो पी एच को यहाँ पे हम एच प्लस से रिलेट करेंगे. देखो क्लास कि जितना सॉल्यूशन में एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही कम पी एच होगा,
greater the H plus ion concentration, lower will be the pH. जितना कम pH हो रहा है इसका मतलब कि उसमें solution में H plus ion का concentration ज़्यादा होगा. pH scale is a number. pH scale की एक number है. pH number scale which is used to measure the strength of acid and base. pH scale एक number scale होता है जिसको use करते हैं किसके लिए, एक एसिड और बेस के स्ट्रेंथ को मेज़र करने के लिए, ठीक है. और इट हैज़ अ वैल्यू फ्रॉम 0 to 14. और इस स्केल पे आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगे पीएच का, कहाँ से कहाँ तक, देखो 0 to 14 तक. एंड पीएच इज़ अ प्योर नंबर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इट हैज़ नो यूनिट, दैट मीन्स एक प्योर नंबर है यहाँ पर. तो दिस इज़ द पीएच स्केल. Around this scale, you can see the number from 0 to 14. 0 से start करते हुए कहाँ तक है, 14 तक है. एक pH scale यहाँ पर. So, आप देखो जिसका pH अगर 7 आता है वो neutral solution कहलाता है. pH अगर 7 आ रहा है तो neutral solution, और 7 से कम होगा तो solution कैसा होगा, acidic. 7 से कम एंड 7 से ज़्यादा है तो basic solution, ठीक है. और वो चीज़ देखो यहाँ पर 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, और 7 है तो न्यूट्रल. और अगर पीएच की वैल्यू अगर 0 से 3 तक आता है तो वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और 3 से ज़्यादा है तो वीक एसिड. सिमिलरली यहाँ पे अगर बेस को देखें तो पीएच अगर 11 टू 14 आता है तो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएगा, और 11 से बिलो है तो वीक बेस होते हैं. अगर हम 7 से इधर की तरफ जा रहे हैं तो देखो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा. एसिडिक नेचर इंक्रीज दैट मींस की कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन विल इंक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ एच माइनस आयन विल डिक्रीज. अगर 7 से नीचे जा रहे हो ना तो पीएच वैल्यू क्या आएगी उसकी, सॉरी पीएच तो 7 से कम है तो उस केस में वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर होगा. H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा. ये 7 से ज़्यादा अगर pH आ रहा है तो उस केस में देखो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विल डिक्रीज, ठीक है. तो ये pH स्केल है जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है. अगर मान लो कि pH आपका 7 आ गया तो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड न्यूट्रल सोल्यूशन. जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो प्योर वाटर का जो पी एच आता है वो 7 होता है. एंड इफ द पी एच इज लेस दैन 7 द सोल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक सोल्यूशन. ओके एग्जाम्पल आप टेकिंग योर कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका पी एच कितना है 0 एंड पी एच इज ग्रेटर दैन 7 द सोल्यूशन इज कॉल्ड बेसिक सोल्यूशन. Examples I have taken here, concentrated sodium hydroxide, जिसका pH यहाँ 14 है, ठीक है. तो ये दिस इज अबाउट pH स्केल जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, एसिडिक है, फिर बेसिक है. जैसे यहाँ पर मान लो कि दो सॉल्यूशन है जिसका pH एक का 0 एक का 4 है. जीरो वाले का पीएच, जिसका पीएच 0 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और जिसका पीएच 4 है वो वीक एसिड कहलाएगा. सिमिलरली अगर मान लो कि पीएच अगर यहाँ पे 9 है और एक 13 है, तो 9 अगर पीएच है तो उसका वो वीक बेस हो जाएगा, और 13 जिसका पीएच है वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, ठीक है. बेसिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बेसिक नेचर एसिडिक नेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. तो उसके अकॉर्डिंगली पीएच जितना कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, पीएच जितना ज़्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा. पीएच अगर 7 है तो वो न्यूट्रल है. तो दिस इज़ अ पीएच स्केल जिससे हम इजली बता सकते हैं स्ट्रेंथ को एसिड और बेस का. नाउ चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, देखो इट इज़ अ मिक्सर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स. मिक्सर ऑफ मेनी डिफरेंट, तो ये मिक्सर होता है मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स का यानी डाइस विच गिव्स डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज ऑफ द एंटायर पीएच स्केल. पूरे पीएच स्केल्स पे डिफरेंट पीएच वैल्यूज पे क्या करता है ग्लास, कि ये तो यूनिवर्सल इंडिकेटर है
वो डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट कलर जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उसका पीएच कितना है, मतलब एच प्लस एन का कंसेंट्रेशन हमें इससे मालूम चल जाएगा। अगर हम मैं बात करूँ कॉमन इंडिकेटर्स लाइक लिटमस को, लिटमस से चेक करते हैं तो उससे क्या मालूम चलता है, उससे केवल ये मालूम चलता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है, उसकी पीएच के बारे में पता नहीं चलता, ठीक है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ के बारे में लिटमस पेपर नहीं बता सकता। तो कॉमन इंडिकेटर कैन नॉट टेल्स द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस, बट यूनिवर्सल इंडिकेटर कैन टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है बता सकता है स्ट्रेंथ के बारे में एसिड और बेस का, लेकिन जो कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं वो केवल एसिडिक और बेसिक के बारे में बता सकते हैं, उसके स्ट्रेंथ के बारे में। तो चलो चलते हैं आप यूनिवर्सल इंडिकेटर की तरफ, यूनिवर्सल इंडिकेटर देखते हैं। यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर भी देखो दो फॉर्म में आ सकता है, सॉल्यूशन के फॉर्म में भी और पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी आता है, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन के फॉर्म में भी रहता है और पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी रहेगा, जैसे कि हमने लिटमस पेपर भी देखा था, लिटमस पेपर भी था, लिटमस सॉल्यूशन भी था। तो पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में भी रहता है और सॉल्यूशन के फॉर्म भी रहता है, तो सॉल्यूशन के फॉर्म में और पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में। पेपर स्ट्रिप के फॉर्म में इसका जो कलर आता है वो येलो कलर का रहता है, पेपर येलो कलर का स्ट्रिप होता है पेपर का। तो ये डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट कलर देंगे कि द कलर प्रोड्यूस बाई यूनिवर्सल इंडिकेटर एट वेरियस पीएच वैल्यूज, है ना। लैब में जाओगे तो कलर चार्ट मिलता है, उस कलर चार्ट के अकॉर्डिंग तो उस पर हम कलर को मैच करते हैं, जो भी पीएच पेपर पे या फिर पीएच सॉल्यूशन में जो कलर आता है उस कलर से मैच करते हैं उस कलर चार्ट से, और तब हम पता करते हैं कि उसकी पीएच क्या है। तो देखो ये आपका पीएच स्केल है जिस पे हमने यहाँ पर सारे कलर को बताया हुआ है, और सारे कलर कौन देगा तो यूनिवर्सल इंडिकेटर देगा। तो अगर डार्क रेड कलर आ रहा है पीएच पे, मतलब जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है अगर डार्क रेड कलर दे रहा है इसका मतलब कि उसका पीएच क्या है, ज़ीरो है। और अगर वन रेड कलर आ रहा है तो रेड मतलब कि उसमें पीएच उसका वन या टू हो जाएगा, और अगर ऑरेंज रेड कलर आ रहा है तो उसका पीएच थ्री, और ऑरेंज कलर आ रहा है तो उसका मतलब कि उसका पीएच फोर होगा, ऑरेंज येलो कलर उसका पीएच फाइव होगा, ग्रीनिश येलो कलर दैट मीन्स उसका पीएच सिक्स होगा, और अगर ग्रीन कलर आ गया ग्रीन कलर दैट मीन्स उसका पीएच सेवन है, वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए कैसा कलर आता है, ग्रीन कलर। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसा कलर देगा तो ग्रीन कलर देगा। एंड सिमिलरली ग्रीनिश ब्लू कलर पीएच विल बी एट, ब्लू कलर पीएच विल बी नाइन, नेवी ब्लू पीएच विल बी टेन, पर्पल कलर पीएच विल बी एलेवन, डार्क पर्पल पीएच विल बी ट्वेल्व, वायलेट कलर पीएच विल बी थर्टीन, एंड वायलेट अगेन पीएच विल बी फोर्टीन। तो ये कलर को हम देख के बताएंगे कि उसकी पीएच सॉल्यूशंस की क्या होगी। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है जो कि सॉल्यूशंस के पीएच को बता सकता है बाय गिविंग डिफरेंट कलर एट द डिफरेंट पीएच वैल्यूज। ओके, तो कुछ यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लिया हुआ है सॉल्यूशंस का और उसकी पीएच को। देखो कंसेंट्रेटेड एसिड होगा, उसकी पीएच जीरो, मतलब ये कैसा कलर देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, डार्क रेड कलर। डेरोडेसियल होगी तो इस पर इसका पीएच वन होगा, इसका मतलब कि इसका कलर रेड आएगा। लेमन जूस जिसका पीएच 2.5 है, सोडा वाटर जिसका पीएच देखो 3-4 के रेंज में आता है, ठीक है। तो ऑरेंज रेड कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर विनेगर देखो यहाँ पे विनेगर का भी फोर, यहाँ पे फोर यानी कि इसमें ऑरेंज कलर आएगा विनेगर में। सिरका कॉफ़ी पीएच वैल्यू 5, पोटैटोज पीएच 7, प्योर वाटर पीएच 7, कलर कैसा आएगा यहाँ पर ग्रीन कलर, ठीक है। प्योर वाटर में अगर कलर चेक करोगे यूनिवर्सल इंडिकेटर से तो उस पर आपको ग्रीन कलर आएगा। टूथपेस्ट जिसका पीएच क्या है 8, मतलब ये बेसिक सॉल्यूशन बेसिक हो गया। वॉशिंग सोडा पीएच 9, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 पीएच, हाउस होल्ड अमोनिया है ना, घर जो घर में यूज़ करते हैं अमोनिया उसका 11.6 पीएच है। डायरूटेनोएच जिसका पीएच 13 है, और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका पीएच यहाँ पर 14 है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया 14 जिसका पीएच यहाँ पर है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कॉन्क एसिड जिसका पीएच यहाँ पर 0 है।
तो ये कलर देख के हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पीएच क्या है सॉल्यूशंस का। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं पीएच के बेस पर। फाइव सॉल्यूशंस ए बी सी डी एंड ई व्हेन टेस्टेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोड पीएच ऑफ 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पांच सॉल्यूशन है यहाँ पर ए बी सी डी एंड डी, जिसको टेस्ट किया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर से, तो वहाँ पे उसकी पीएच कितनी आ रही है 4, 1, 11, 7 एंड 9। तो अब यहाँ पे देखो विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, अब हमें बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल कौन सा है, स्ट्रांगली एल्केलाइन कौन सा है, स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है, वीकली एसिडिक और वीकली एल्केलाइन। पीएच हम यहाँ बता सकते हैं कि कौन क्या है। एंड नाउ वी हैव टू अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो सपोज करो कि हमारे पास पांच सॉल्यूशन है, फाइव सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन हमने बना लिया, तो सॉल्यूशन ए लिया, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन डी, सॉल्यूशन डी एंड सॉल्यूशन ई। फाइव सॉल्यूशंस वी हैव, सॉल्यूशन ई। अब यहाँ पे इसका पीएच भी मेंशन किया हुआ है, इसका पीएच कितना है, देखो इसका पीएच सॉल्यूशन ए का पीएच है 4, सॉल्यूशन बी का पीएच है 1, सॉल्यूशन सी का पीएच है 11, सॉल्यूशन डी का पीएच है 7 और सॉल्यूशन ई का पीएच है 9। ठीक है, तो जिसका पीएच 7 है यानी कि वो क्या हो गया, न्यूट्रल, यानी कि सॉल्यूशन डी इज न्यूट्रल। ये तो पता है कि जिसका पीएच 7 आएगा वो न्यूट्रल होगा, 7 से कम एसिडिक होगा। तो सॉल्यूशन बी अगेन एसिडिक, यानी पीएच इसका 1 है, एसिडिक है, और पीएच यहाँ पे भी 4 है इसका, सॉल्यूशन ये क्या है आपका एसिडिक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन इज एसिडिक। और यहाँ पे देखो 7 से ज़्यादा है, मोर देन 7 सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सी इज बेसिक एंड अगेन हेयर 9, तो सॉल्यूशन ई इज बेसिक। मोर देन 7 सॉल्यूशन बेसिक, लेस देन 7 सॉल्यूशन एसिडिक एंड इक्वल टू 7 सॉल्यूशन न्यूट्रल। तो अब हमें बताना है कि विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, तो सॉल्यूशन यहाँ पे 7 देखो, सो फर्स्ट इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन न्यूट्रल कौन सा है, तो फर्स्ट का यहाँ पर डी, सॉल्यूशन डी इज न्यूट्रल। स्ट्रांगली एल्केलाइन सेकेंड यहाँ पे, स्ट्रांगली एल्केलाइन, स्ट्रांगली एल्केलाइन मतलब जिसका पीएच जितना ज़्यादा उतना एल्केलाइन होगा। तो यहाँ पे दो ऐसे सॉल्यूशन है जिसका पीएच मोर देन 7 है, मतलब सॉल्यूशन सी 11 है, सॉल्यूशन ई 9। तो 9 और 11 को कंपेयर करो, 11 ज़्यादा है, तो मतलब कि इसमें OH- माइनस आयन का कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो सेकेंड इसका वी कैन कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन सी है वो स्ट्रांगली एल्केलाइन होगा, सॉल्यूशन सी इज स्ट्रांगली एल्केलाइन। एंड थर्ड स्ट्रांगली एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक मतलब जिसका पीएच सबसे कम है यहाँ पर, तो सबसे कम पीएच किसका है, तो सॉल्यूशन बी का, इसका पीएच 1। तो वी कैन से कि सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी इज स्ट्रांगली एसिडिक, सॉल्यूशन बी इज स्ट्रांगली एसिडिक। वीकली एसिडिक जिसका पीएच देखो यहाँ पे 1 और 4 दोनों एसिडिक सॉल्यूशन यहाँ पर, तो 1 तो स्ट्रांगली हो गया, तो 4 क्या हो जाएगा, वीकली, यानी कि फोर्थ वीकली एसिडिक कौन है, तो सॉल्यूशन ए, वीकली एसिडिक सॉल्यूशन ए हो गया। और वीकली एसिडिक तो कर लिया, वीकली एल्केलाइन, वीकली एल्केलाइन कौन सा है इसमें, तो सॉल्यूशन ई, 11 और 9 था यहाँ पर, तो 11 तो स्ट्रांग हो गया और ये 9 वाला क्या हो गया, वीक। तो वीकली एल्केलाइन कौन हो जाएगा यहाँ पर, सॉल्यूशन ई, सॉल्यूशन ई इज वीकली एल्केलाइन। नाउ सेकेंड पे आते हैं, अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
अब इन पीएच को क्या करना है, हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन के बेस पर अरेंज करना है। तो सेकेंड केस कि हमें यहाँ पर अरेंज करना है सारे पीएच को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो हमने यहाँ पर स्टडी किया था कि पीएच और एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना, मतलब कि हायर द पीएच लोअर विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। जितना ज़्यादा पीएच होगा उतना ही कम एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन होगा। तो हमें यहाँ पे अरेंज करना है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, 11, ठीक है, सोल्यूशन सी की पीएच। यहाँ पर इसकी पीएच 11 देखो, सबसे ज़्यादा पीएच इसका है यहाँ पर, यानी कि इसमें एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद सोल्यूशन ई, सोल्यूशन ई जिसका पीएच कितना है, तो 9 है, इसका पीएच 9 और देन 9 और 11। इसके बाद हम पीएच सोल्यूशन डी लेते हैं, सोल्यूशन डी देखो क्या है पीएच इसका, 7 है, इसका पीएच 7 है। उसके बाद सोल्यूशन ए, सोल्यूशन ए इसका पीएच 4 एंड देन सोल्यूशन बी इसका पीएच 1, इसका पीएच यहाँ पे 1 है, ठीक है। जितना कम पीएच होगा उतना ज़्यादा एच प्लस आएंगे कंसेंट्रेशन, यानी कि हमने यहाँ पे अरेंज किया इन सारे सोल्यूशंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, ठीक है। एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज। देख लो आप यहाँ पर, जितना कम पीएच उतना ज़्यादा एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन, वी नो द रिलेशंस। तो देखो सॉल्यूशन बी की पीएच सबसे कम है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन होगा, और सोल्यूशन सी जिसका पीएच 11 है, यानी कि इसमें एच प्लस आयन कंसेंट्रेशन सबसे कम होगा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये था क्वेश्चन जिसका हमने आंसर किया यहाँ पर। सो दिस इज़ द, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो ना।